एंटी डाइनो। देखते हैं कैसे इसे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक सीलिंग ट्रे को या तो एक प्लास्टिक का ग्लास ले सकते हो। मैंने ये चाय का कप लिया है। अब उसमें हम कोको बीट भर लेंगे। तो इसमें मैं कोको बीट भर ले रहा हूँ। हल्के प्रेस करेंगे। अब इस पे हमें पानी देना है। ये आप किसी भी मौसम में इसका पौधा ग्रो कर सकते हो। इसका कोई खास मौसम नहीं होता है। तो हमने बीज ले लिए, काफी छोटी बीज आती है इसकी। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है, ये देख सकते हो आप। काफी छोटे छोटे बीज है इसके। तो हमें एक चुटकी भर के इसमें इस तरह हमें डाल देने हैं। और इसके ऊपर हमें एक चुटकी कोको बीट का ऐसा सिर्फ रख देना है। उस पर प्रेस भी नहीं करना है, थोड़ा बस इस तरह में रख देना है। अब इसे हम नॉर्मली जो धूप आती हो वैसी जगह पे रखेंगे और हर 2 दिन के बाद इसमें पानी ऐड करते रहेगा, हर 2 दिन में। ठीक है, तो मिलते हैं इसके ग्रो होने के बाद। जल्दी ये ग्रो हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली ग्रो हो गया है। अब इसे हम शिफ्ट कर देंगे। तो अब इसमें लगा देंगे हमारा ये प्लांट। ये आपको इसकी मिट्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे इसमें शिफ्ट कर दूँगा। सबसे पहले तो इसे इस तरह घुमा लेना है और फिर एक होल गिराना है यहाँ पे। मैंने ये इस तरह हाथ में निकाल लिया है और अब इसमें हमें रख दे रहा है। और देख सकते हो इस तरह आराम से हमें रख देना है। अगर कोई सीड जनरेशन होने बाकी हो तो वो भी इसमें जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे इस तरह से मिट्टी से कवर कर देना है। तो ये अब हमारा प्लांट लग गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।